अग्निपथ योजना को लेकर एक ओर जहां देश भर के युवा आंदोलित हो चुके हैं, वहीं कांग्रेस भी सड़क पर उतर चुकी है। शनिवार को जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में आम बगान से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली गई। इसके माध्यम से कांग्रेस ने केंद्र सरकार की योजना का पुरजोर विरोध जताया। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा RSS को देश का सबसे बड़ा देशद्रोही पार्टी करार दिया है। उन्होंने बताया कि भाजपा RSS के नेता और कार्यकर्ता देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। वे धर्म के नाम पर देश के युवाओं को भटकाकर देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। 4 साल तक अनुबंधन के आधार पर सेना जैसे महत्वपूर्ण पद पर नौकरी देकर केंद्र सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है। रैली की शक्ल में कांग्रेसी जिला मुख्यालय तक पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम एक उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से काले कानून को अविलंब वापस लेने की मांग की। GBN24 न्यूज के लिए जमशेदपुर से मनमन पांडे की रिपोर्ट। आप 4 साल के लिए बच्चे को भेज रहे हो सियाचिन और अरुणाचल, बोलते कि चीन के साथ लड़ो मरोगे। तो गरीब बच्चे जा रहे हैं ना, गांव के बच्चे जा रहे हैं, बस्ती के बच्चे जा रहे हैं। नौकरी भी तो मिल रहा है, नौकरी कैसे मिल रहा है? 4 साल का ठेका में आप काम कीजिए, उसके बाद निकाल दीजिए, सियाचिन बेच करके उंगली कटेगा। नौकरी आप 4 साल 17 साल में ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अफसर का नौकरी क्यों नहीं 4 साल का है? बच्चे लोग का क्यों 4 साल का है? मोदी का नौकरी क्यों नहीं 4 साल का है? ये सब देश के सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये अदानी जैसे ये जो ठेके में जो है देश की सुरक्षा को ठेके में दे दिया। चीन घुस रहा है और आप बच्चे को बोलते हैं कि इस देश के लिए जान दे दो, तेरी नौकरी सिर्फ 3 साल का है। आप जाओगे क्या कि मरोगे, गोली खाओगे? आप बच्चे लोग को बोलते हो कि आप देश के लिए सबसे जो है अपना जान त्याग दो, लेकिन हम आपको 4 साल का ठेका में रखेंगे। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस राजनीति करेगी। प्रॉब्लम बीजेपी में जो है ना, इस देश के सबसे बड़े देशद्रोही पार्टी भगवा झंडा लपेट कर अपने आप को देश को मूर्ख बना रहा है। 11 लाख पैसे, उसमें से 60 लाख पैसे जो बच्चे का पैसा है, इंटरेस्ट हर महीना 30% काट करके उसका इंटरेस्ट से जो आपको वापस करते बोलते हैं कि हम 11 लाख दे रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है, क्या एंडिंग होगा इसका? एंडिंग क्या होगा? देश को जो है खतरे में डाल दिया। मैंने पहले से कहा, आजादी के समय अंग्रेजों के टट्टू बने, आजादी के समय जो है चापलूसी करके ये लोग ने जो हमेशा अंग्रेजों के साथ दिया। ये जो है ना भगवान का नाम इस्तेमाल करता है लोग को बेवकूफ बनाने के लिए। दुनिया के सबसे नामी देशद्रोही होगा तो भारतीय जनता पार्टी और RSS है। और ये जो देश के जो सुरक्षा को आप जिस तरह से खतरे में डाल रहे हो 4 साल का ठेका देके, आप यहाँ के ठेका मजदूर को बॉर्डर पर भेज दोगे, वो क्या देश की सुरक्षा में लड़ाई करेगा यार? आप अपने बताओ, योजना वापस हो पाएगा? पता नहीं योजना वापस, लेकिन देश में जो आक्रोश है आपके माध्यम से नौजवानों को यही कहेंगे विरोध कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए।